इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चहल जी। चर सर, आज किसान सम्मेलन का ये जो आयोजन किया गया, इसको लेकर आपका क्या कुछ? देखिए, आज किसान मोर्चे ने अपने दिल्ली प्रदेश के किसानों को बुलाया है और उनको जो बजट अभी निर्मला सीतारमन जी ने रखा है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में बताने के लिए आज ये एक बड़ा सम्मेलन यहाँ हो रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन में नए नए मोड़ आ रहे हैं। पहले किसानों ने जो है ट्रैक्टर रैली करी, उसके बाद चक्का जाम किया, अब जो है रेल रोको अभियान चलाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि रेल रोको जैसे आंदोलन नहीं होने चाहिए। किसान तो बड़ी सीधी कौम है, किसान बड़ी भोली कौम है, किसान बहुत भली कौम है, किसान कभी नहीं चाहता इस तरह के आंदोलन करना। लेकिन जो राजनीति के शिकार कुछ लोग हो गए हैं, जो राजनीतिक कारणों से इस तरह के आंदोलनों को प्लान करते हैं और आगे बताते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इसमें अराजक तत्व घुस जाते हैं और फिर बदनामी होती है। हमने देखा कि सरकार लगातार पहल कर रही है किसानों से बातचीत करने के लिए, लेकिन वहीं किसान नेताओं का मूड लग नहीं रहा है, तो समाधान कैसे निकलेगा और ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, कुछ नेताओं का मूड का संचालन कहीं और से जब होता है, स्वयं की सोच और किसी के द्वारा थोपी हुई सोच में अंतर होता है। अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये खेती के बिल जो आए हैं खेती के सुधार के लिए, कृषि के सुधार के लिए, ये किसान की आय को बढ़ाने वाले हैं। केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रम और अफवाह बड़ी तेजी से फैलता है, देरी से जाता है, लेकिन जब समय आता है तो सत्य की जीत होती है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि मोदी जी ने जो किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो सत्यता के साथ आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में सत्य की जीत होगी और इन किसान बिलों से किसान लाभ उठाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात कर रहे थे हमारे साथ राजकुमार चहर जी। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, दिल्ली।